किनुआ सैलेड बनाने से पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। किनुआ सीड्स एक कटोरी, ये लगभग 200 ग्राम सीड्स हैं। फ्रेश पुदीना के पत्ते, फ्रेश पार्सली, आप इसकी जगह पे धनिया भी यूज कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर, हाफ क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग अनियन लिया है, आप रेड अनियन भी ले सकते हैं। एक नींबू जिसका हम रस निकाल कर सैलेड में डालेंगे। वॉलनट्स यानी कि अखरोट, ये ऑप्शनल है। नमक स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पे पिंक नमक यूज कर रही हूँ, आप कोई भी रेगुलर नमक यूज कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, ऑलिव ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच। तो चले अब हम सैलेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किनुआ सीड्स को इस तरह से चलते हुए पानी में वॉश कर लेंगे। किनुआ सीड्स को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हमने इन्हें पैन में डाल दिया है और इसमें 2 गुना पानी डालेंगे। जैसे कि हमने 1 कटोरी सीड्स लिए थे और 2 कटोरी हम इसमें पानी डालकर इसे कुक करेंगे। मैंने गैस को ऑन करके मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है। जब ये बॉयल होने लगे तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी उबलने लगा है। इस टाइम पर हम फ्लेम को कम कर देंगे और ढककर इन्हें पका लेंगे। और जब तक ये सीड्स पक रहे हैं, हम सैलेड की बाकी चीजों को काट कर तैयार कर लेते हैं। हम सभी फ्रेश हर्ब्स को जैसे कि पुदीना, पार्सली, स्प्रिंग अनियंस, खीरा और टमाटर को स्मॉल पीसेस में काट लेंगे। आप इन सभी चीजों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नींबू का रस भी निकाल लेंगे। हमने सभी चीजों को काट कर तैयार कर लिया है और हमारे किनुआ सीड्स भी पक चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं, पानी भी बिल्कुल सूख गया है। और अब हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले पुदीना, पार्सले, टमाटर, खीरा और स्प्रिंग अनियन डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सैलेड को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चले अब हम इसके लिए ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। सैलेड की ड्रेसिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक काटे हुए वॉलनट्स और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सैलेड की ड्रेसिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चले अब हम इसे सैलेड में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा किनुआ सैलेड बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं।